जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यह है सुबह का टाइम और मैं सारा काम फिनिश करके आ गई हूँ नहाकर, और आज बाल भी धोए हैं क्योंकि आज है नवरात्रे का फास्ट। और मैं यहाँ कर रही हूँ थोड़ा सा मेकअप, क्योंकि सुहागन है, नवरात्रे का दिन है तो मेकअप करना तो ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़ी सी लोशन लगाया है और लिपस्टिक ज़रूरी है। डेली तो मैं नहीं लगाती हूँ, लेकिन आज नवरात्रे था तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा सुहाग वाली चीज़ें लगा लेनी चाहिए, नहीं तो मोस्टली मैं नहीं लगाती हूँ लिपस्टिक। पूजा करने से पहले मैंने सोचा बाल भी पूंछ के बना लिए जाएं, बालों को भी, नहीं तो फिर टावल से परेशानी होती है पूजा करने में। मैंने बाल भी अच्छे से बना लिए और अपना सिंदूर भी लगाया, मतलब जो भी सुहागनों की चीज़ होती हैं मोस्टली वो सारी मैंने लगाई। बच्चे चले गए थे स्कूल और टाइम हो रहा था 9:30। काम भी आज जल्दी ख़त्म हो गया था क्योंकि ये भी घर पे नहीं थे और बच्चे भी जल्दी स्कूल चले गए थे, बस मैं ही थी पूरे घर में। काम भी फिनिश जल्दी हो गया था मेरा। नवरात्रि के दिन का अलग ही उत्साह रहता है लेडीज़ में तो, खासकर क्योंकि उन्हें तैयार होने का पूरा अवसर मिलता है। मैंने साड़ी तो नहीं पहनी थी, सूट ही पहना था क्योंकि साड़ी पहनने में काम नहीं किया जा सकता, इसलिए मैंने पहना सूट ही था। मैं कैसी लग रही हूँ? तो तैयार होके मैं आ गई हूँ मंदिर में, और मंदिर में मैंने सफाई कल कर ही दी थी, मैंने सारे भगवानों का स्नान भी कल ही करा दिया था। अब मैं घिस रही हूँ चंदन भगवान जी को टीका लगाने के लिए। मैं किसी किसी भगवान को चंदन का टीका लगाती हूँ, लेकिन बाकी भगवान को लगाती हूँ लाल सिंदूर वाला टीका, जो कि मैं अपने भी लगाती हूँ। टीका लगाते हुए सडनली मुझे याद आया कि यार फूल तो रह ही गया था, क्योंकि आजकल फूल बहुत ही कम आ रहे हैं। भले ही स्प्रिंग सीज़न चल रहा हो, लेकिन पूरी सोसाइटी में एक भी फूल नहीं दिखता, और ना ही हमारे बालकनी में जो गमले लगे हैं उनमें भी कोई फूल था। तो तुरंत ही मैं यहाँ भगवान की टीका लगा के अपनी बालकनी की तरफ निकल ली, और वहाँ लग रहे थे बोगनवेलिया के फूल। मैंने सोचा अब कुछ नहीं है तो इन्हीं को तोड़ लिया जाए। पहले मेरे गमले में काफ़ी सारे फूल लग रहे थे गेंदे के, बट हम लोग जब गांव चले गए थे वो सारे मुरझा गए थे। तो वो सोच के बड़ा दुखी हुआ मन कि अगर वो आज होते तो पूजा में सारे फूल इस्तेमाल होते, बट कोई नहीं, ये फूल भी सुंदर लग रहे थे। आज मैंने ये वाले ही फूल से काम चलाया। फिर मैंने पूजा शुरू करी और मैंने जोत जलाई। आप लोगों के यहाँ पे गोबर के जो उपले होते हैं उस पर पूजा की जाती हो सकता है, हम लोगों के यहाँ पे भी होती है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी गाय का गोबर उपलब्ध नहीं था मेरे पास। हम लोग सामग्री में ही लौंग को चढ़ाते हैं, हमारे यहाँ पे लौंग चढ़ाई जाती है सामग्री में। लौंग हर परिवार के हर एक सदस्य के नाम बोल के डाली जाती है कि आपके यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, और इसी तरह से हमारी नवरात्रि की पूजा होती है। प्रसाद मैंने सारा चढ़ा ही दिया था भगवान को। जय माता दी। मेरी पूजा हो गई पूरी और मैंने बनाई थोड़ी सी वीडियो। ये रही मेरी छोटी सी दुर्गे माँ और उनके साइड में और दो छोटी दुर्गे माँ, और मेरे मंदिर में काफ़ी सारे भगवानों की मूर्तियाँ हैं, और पूजा संपन्न हुई। जय श्री राम, जय माता दी। आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे ब्लॉग में, और आप लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आज अपना त्यौहार अच्छे से मना रहे होंगे। आप सबको नवरात्रि की और हिंदू नववर्ष की बहुत 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 शुभकामनाएं। आपका ये नववर्ष जो आज शुरू हुआ है वो आपका पूरा अच्छा जाए, शुभ जाए, और आप लोग स्वस्थ रहें, आपके परिवार में सब स्वस्थ रहें। मेरी हो गई है पूजा, नवरात्रि का पहला दिन है, आज फास्ट है, सब लोगों का फास्ट होगा जो जो रखते हैं। और आज बच्चे स्कूल चले गए हैं और आज मैं अकेली पूजा कर रही हूँ, क्योंकि आज ये भी नहीं है, क्योंकि ये गए हुए हैं गांव गए हुए हैं, मतलब मम्मी पापा के पास। एक्चुअली पापा को दिखाना था ना, डॉक्टर को अभी तक दिखाया नहीं था, तो उनके एक बार डॉक्टर को दिखाना था, इसलिए आज वो सुबह ही बच्चे स्कूल गए और वो भी साथ में निकल गए। तो आज फर्स्ट बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने नवरात्रि अकेली पूजा की है। अगर बाई चांस कभी 1% ये नहीं थे तो बच्चे ज़रूर होते थे, लेकिन आज ना बच्चे हैं और ना ये है, मतलब मैंने पूजा की है, खुश होके की है, लेकिन अंदर से थोड़ा सा था कि आज मैं अकेली पूजा कर रही हूँ। मन उदास हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग बहुत घर से दूर रहते हैं और फैमिली के साथ नहीं रहते हैं, और जब भी कुछ ऐसा होता है, कोई फेस्टिवल हो या कुछ हो, और मैं अकेली हूँ, तो मेरे को बहुत, क्योंकि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ इन चीज़ों में, तो मन थोड़ा सा दुखी हुआ था उस टाइम कि मैं अकेली ही पूजा कर रही हूँ, ना आज मेरे बच्चे हैं ना मेरे हस्बैंड हैं। तो
शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा होता हो कि अगर फैमिली साथ में बैठ के पूजा करती है तो, या फिर हम लोग जैसे शुरू से ही पूजा करते हैं तो अच्छा लगता है कोई फेस्टिवल हो तो। नहीं तो अगर आप अकेले रोज़ ही अकेले करते हो तो ऐसा कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अकेली नहीं करती हूँ, ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं पूजा में, या फिर बच्चों की छुट्टी रहती है स्कूल की तो वो भी साथ में ही पूजा करते हैं। लेकिन आज फर्स्ट डे ऐसा हुआ है कि मैं अकेली ही पूजा कर रही थी, सो थोड़ा मन उदास था, लेकिन फिर भी माता रानी साथ में है, माता रानी मन प्रसन्न रखेंगी मेरा, क्योंकि आज फास्ट है तो खुश रहना है, माता रानी का दिन है, माता का नाम लेना है, हनुमान जी का दिन है, हनुमान जी का नाम लेना है, क्योंकि आज है मंगलवार भी, साथ के साथ प्रसाद भी चढ़ा दिया है, बच्चों को मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया था, इनको भी ब्रेकफास्ट दे दिया था, दोनों में से बच्चे भी फास्ट नहीं रखते और इनका भी फास्ट नहीं, क्योंकि ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग में तो कहाँ फास्ट रखेंगे, तो मैंने उनको भी लंच दे दिया, भिंडी बनाई थी मैंने, और अब मैंने पूजा कर दी है, घर का सारा काम भी ऑलमोस्ट हो गया है और टाइम हो रहा है, 10:30 बजने जा रहे हैं, बस कपड़े धोने हैं, कपड़े मशीन में डले हुए हैं, और अब मैं थोड़ा सा फलाहार करूँगी, क्योंकि मुझसे भी ज़्यादा फास्ट नहीं रखा जाता है, लेकिन मैं कैसे भी कोशिश करके रखती हूँ फास्ट, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा लेती रहती हूँ, क्योंकि मेरा बीपी लो टाइप हो ही जाता है, मतलब वीकनेस जैसी आ जाती है, इतनी ताकत नहीं रहती मुझ में। सो अब मैं थोड़ा सा चाय वगैरह लेती हूँ, थोड़ा से फ्रूट्स हैं वो खा लूँगी, या फिर थोड़ा सा नमकीन लेना ज़रूरी होता है मेरे लिए, तो थोड़े से ये लोग कल चिप्स लेके आए थे मेरे लिए व्रत वाले, वो थोड़े से ले लूँगी चाय के साथ। देखते हैं आगे कौन कैसा रहता है, बच्चे आएंगे क्या करेंगे स्कूल से, और आप भी सेलिब्रेट कीजिए अपने नवरात्रे, और लीजिए मन मन से भगवान का नाम अच्छे दिल से, किसी का बुरा मत कीजिए और सबका अच्छा कीजिए, झूठ मत बोलिए, भगवान आपके साथ रहेंगे। सो हेलो एवरीवन, हो गया है मेरा फलाहार और अब मैं बना रही हूँ अपने बनाए हुए हाथ के पेड़े, जिससे मैंने मावा बनाया था उसी के मैं पेड़े बना रही हूँ। जो स्वाद आपके हाथ में, आपके घर के मिठाई में होगा वो बाहर कहीं नहीं मिलेगा आपको। सो कोशिश कीजिए घर पे ही कुछ ऐसा प्रसाद बनाइए जो कि शुद्ध भी हो और स्वाद भी हो उसमें, और आपको भरोसा हो कि हाँ ये चीज़ शुद्ध है, बाहर का हमें नहीं पता क्या बन रहा है। लेकिन प्रसाद के तौर पे आप कोई पूजा वूजा करते हैं तो कोशिश कीजिए, चाहे बहुत ही कोई मामूली सी चीज़ ही बनाइए, लेकिन घर पे ही बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं भी घर पे ही बना रही हूँ, मैंने मावा भी घर पे ही बनाया था और अब पेड़ा भी मैं घर पे ही बना रही हूँ। इसमें बस मावा भून लीजिए, थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल दीजिए और थोड़ा सा बूरा, बूरा स्वाद के अनुसार, कोई ज़्यादा मीठा खाता है कोई कम मीठा खाता है, हमारे घर में कम मीठा खाते हैं तो थोड़ा सा कम मैं डालती हूँ। यहाँ मेरा दूध गर्म हो रहा है और अभी टाइम हो रहा है 11:30 और ये भी पहुँचने वाले हैं गाँव आधे एक घंटे में, गौर आएगी 1 घंटे बाद। हम लोग जब फैमिली तैयार हो गए हैं, मेरे पेड़े क्वांटिटी में कम है, दिख रहे होंगे आपको कम है, कि मैंने जानबूझ के कम ही बनाए हैं, क्योंकि कम ही ठीक रहते हैं, क्योंकि मावे की चीज़ है, गर्मी पड़नी शुरू हो गई है और इनको फ्रिज में भी रखने में स्वाद ख़त्म हो जाता है। तो आप मावे का अगर कुछ बना रहे हैं तो थोड़ा ही कोशिश कीजिए, थोड़ा बनाएं कि 4-5 दिन में ख़त्म हो जाए, 4-5 दिन भी मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ, आई थिंक 3-4 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि मावे की चीज़ आजकल नहीं चलेगी। और वो चीज़ अगर आप फ्रिज में रखोगे तो मुझे तो स्वाद आता नहीं है फ्रिज में रखी हुई चीज़ों का। तो कोशिश कीजिए कि मावे की चीज़ अगर कुछ बनाते हैं तो थोड़ी ही बनाएं, जो आपके बच्चे 2-3 दिन में फिनिश कर लें, फिर चाहे आप बाद में बना लीजिए। वैसे हमारे बच्चे इतना नहीं खाते हैं, लेकिन जितना खाते हैं वो फिनिश कर लेते हैं जल्दी, तो मावे का, क्योंकि फिर मेरे यहाँ मंगलवार को बेसन के लड्डू बनते हैं। मैं कभी स्टोर मीठा बहुत ही कम रखती हूँ, क्योंकि गर्मी पड़ने लगी है, सर्दियों में फिर भी चल जाता है, लेकिन सर्दियों वाला भी मुझे स्टोर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उस पर भी घी जम जाता है, कुछ भी जम जाता है, लेकिन गर्मियों में ख़राब हो जाता है। तो कोशिश कीजिए मीठा उतना ही बनाइए घर पे कि वो आप तुरंत ही 3-4 दिन में फिनिश कर दें आपके बच्चे, और फिर एक आप नई चीज़ बनाएं। तो इसलिए मैंने थोड़ा ही बनाया है, इवन कल ये भी प्रसाद की एक बर्फ़ी लेके आए थे बाहर से, लेकिन वही है ना, बाहर का हमें भरोसा नहीं रहता व्रत का, कि पता नहीं किस चीज़ से बनी हुई है, अपने घर में अपने हाथों से मैंने बनाया तो मुझे भरोसा है कि ये व्रत का हो गया, क्योंकि प्योर मावा है, भूरा है, और जो भी व्रत में खाया जाता है वो चीज़ हमने डाली है। बाहर की मिठाई का हमको भरोसा नहीं है कि उस पर क्या डाला है, तो वो भी लेके आए हैं, लेकिन मुझे उस पर भरोसा नहीं है, इसलिए मैंने अपने घर वाली ही बनाई है और उसी वही व्रत की है, और बच्चे भी फिनिश कर लेंगे, तो मिलते हैं। तो हेलो गाइस, हम लोग आ गए हैं बेडरूम में अपने बेड पे, और गौरा क्या कर रही है?
सो रही हो? आप क्या बता रहे थे स्कूल के बारे में? मैं बताती हूँ, आज हमारे स्कूल में दो होमवर्क करवाए थे। अच्छा, वो मैम कैसे बोलती है आप जो बता रहे थे? कौन सी मैम? वो आपकी डांस मैम जो है, कैसे बोलती है? बिल्कुल स्ट्रिक्ट है वो तो। स्ट्रिक्ट है? हाँ, जब भी हम डांस देखने जाते हैं उनकी क्लास को भी डांटती है मैम। कैसे डांटती है? डांट के दिखा जरा। दिखाती हूँ। ऐसे बोलना, ऐसे बोलो मत, मुझे बोलना नहीं पसंद, मुझे डांस करना पसंद है, मुझे मस्ती करना पसंद है। ऐसे ऐसे और वो भी तो बोलती है कुछ। हाँ, क्या बोलती है वो? हमको ऐसे बोलते हैं, नो शाउटिंग, वो वाला मैं भूल गई। क्या बोलती हो? कान तले सुन लो, लिप्स पे मुंह पे, लिप्स के मुंह पे उंगली रख लो। और फिर ये भी बोलते हैं, उंगली पटा पटा क्या होती है? फिर एक बच्चा बोलता है, हाँ पता है। फिर अच्छा से बोलती है, उंगली क्या होती है? फिर मेरे बाल क्यों खींच रही है? एक बच्चा बोलते, फिर एक मैम बोलती है, फिर तो लिप्स पे मुंह पे रखा करो, अगर नहीं रखी तो मैं ग्रीन रूम में भेज दूंगी। ग्रीन रूम क्या होता है? ग्रीन रूम में ऐसे डायनासोर आता है, बोलती थी मैम। झूठ झूठ। हां, जिससे गौरा डर जाए। हां, गौरा डरी नहीं? ना डरी नहीं। नहीं तो गौरा शोर तो नहीं मचा रही थी ना? मैम ने तो, हमारी मैम जो है ना, उन्होंने तो बताती है कि मैं ब्लॉगर हूं। अच्छा, तू ब्लॉगर है? क्या ब्लॉग बनाते हो? हम बनाते हैं, मैं बोल के दिखा दूं? हां बोल के दिखाओ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, शुभ रात्रि, हम उठ चुके हैं। और ऐसे जो ऐसे बोलते हैं वो ब्लॉगर होते हैं? हाँ। अच्छा, तो आज कैसा रहा आपका नवरात्रि का दिन? बहुत अच्छा रहा। व्रत व्रत पर मैंने व्रत नहीं रखा, मेरी मम्मी ने रखा। मम्मी ने रखा। और पापा तो है नहीं, पापा की याद नहीं आई आज व्रत के आई। दिन आई? आज पापा चले गए पूजा के दिन। अब बाल खाते हो क्या? मेरे बाल क्यों खींच रही है? मैं नीचे बना रही हूँ। छोड़ो मेरे बाल। पापा गाँव गए। पापा गाँव गए? अच्छा, चलो तो अपना ब्लॉग एंड करते हैं। अगर गौरा का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, गौरा का ब्लॉग का, तो गाइस लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट भी कर देना, ठीक है? अगर आपको मेरा हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो थैंक यू। शुभ रात्रि।